ओके हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु फ्रेंड्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री विच वाज आस्क इन योर गेट 2015 फिफ्टीन एग्जाम ओके फ्रेंड्स सो लेट्स स्टार्ट सी दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन इज वैन दी ऑपरेटर माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन द फंक्शन ई टू द पावर माइनस के एक्स द रिजल्ट इज एंड यू हैव फोर ऑप्शन फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको ऑपरेटर गिवन है एंड फंक्शन गिवन है आपको फाइंड करना है कि इन ऑपरेटर को जब आप इस फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा इन चार ऑप्शन में से ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं सी जो गिवन है फ्रेंड्स आपको ऑपरेटर क्या गिवन है माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन गिवन है ई टू डी पावर माइनस आई के एक्स ओके फ्रेंड्स तो देखिए आपको क्या करना है माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई टू दावर माइनस आई के एक्स को सॉल्व करना है ये इसकी वैल्यू क्या होगी तो देखिए फ्रेंड्स माइनस एच कट स्क्वायर बाहर ले लेते हम हमारे पास ऑपरेटर बचता डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन बचता है ई टू पावर माइनस आई के एक्स इट मीन्स हमको ई टू द पावर माइनस आई के एक्स का क्या करना है फ्रेंड्स डबल डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले देखिए आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं हम फर्स्ट डिफ्रेंसीशन क्या आएगा आपका देखिए माइनस एच कट स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर माइनस आई के एक्स जब आप इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका आएगा माइनस एच कट स्क्वायर इन टू देखिए ई टू दावर माइनस आई के एक्स का क्या ई टू दावर माइनस आई के एक्स इन टू माइनस आई के एक्स का कितना आएगा फ्रेंड्स आपका माइनस आई के ओके फ्रेंड्स ये अब आपको क्या करना है इसी का सेकंड डिफरेंशिएशन करना है जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू है तो माइनस एच स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर माइनस आई के एक्स डॉट माइनस आई के इसका आप क्या करेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन, तो देखिए क्या आएगा आपका ये माइनस एच का डस्कवायर सेकेंड देखिए ए इंटू बी है तो पहले ए को कांस्टेंट रखते हुए बी का करते हैं फिर बी को कांस्टेंट रखते हुए ए का करते हैं तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या आएगी टर्म फ्रेंड्स टोटल माइनस आई इंटू के डॉट माइनस आई के डॉट ई की पावर माइनस आई के एक्स यही आ जाएगी आई के ये ये पूरा जब आपने क्या डिफ्रेंशिएशन किया तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस एच का स्क्वायर तो ये आपका आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू पावर माइनस आई के एक्स ये आपको मिला ओके फ्रेंड्स माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वन होती है सो so, यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ई टू पावर माइनस आई के एक्स ओके फ्रेंड्स तो आपका ऑप्शन नंबर वन के हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आपको कॉर्नर में दिख रहा है क्वेश्चन सो so, इस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्सेप्टेबल वेब फंक्शन आपको चार प्लॉट्स दिए गए फ्रेंड्स इनमें से आपको ही फाइंड करना है कि कौन सा एक्सेप्टेबल वेब फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा ओके okay, फ्रेंड्स चलिए देखते हैं सी देखिए फ्रेंड्स क्वान्टम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की क्या कंडीशन होती है फॉर एक्सेप्टेबल वेब फंक्शन द वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस जो इसकी कंडीशन होती है कंटिन्यूस होना चाहिए आपका नॉर्मलाइज होना चाहिए एंड सिंगल वैल्यू होना चाहिए अगर कोई वेव फंक्शन में ये कंडीशंस फॉलो हो रही है तब तो वो क्या होगा एक्सेप्टेबल और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ब्रेक हो जाए तब वो क्या होता है नॉट एक्सेप्टेबल तो देखिए फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर वन है ऑप्शन फर्स्ट सेकंड, थर्ड तीनों देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है ब्रेक हो रहा है कंटिन्यूस नहीं है ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए क्या है आपके सिंगल वैल्यू नहीं है ओके फ्रेंड्स एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है आपके इसमें भी क्या वैल्यू ब्रेक हो रही है एक सिंगल वैल्यू नहीं केवल ऑप्शन नंबर जो फ़ोर है आपका ऑप्शन डी वहाँ पर देखिए एक तो सिंगल वैल्यू है एंड कंटीन्यूस भी है तो योर सो योर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बाकी ये तीन क्यों नहीं होंगे समझ आ गया ना आपको फ्रेंड्स फर्स्ट वाले में क्या कंटीन्यूस नहीं है सेकेंड एंड थर्ड वाला सिंगल वैल्यूड नहीं है ओनली फोर्थ वाला क्या है कंटीन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड है तो इसलिए ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज इन किलो जूल पर मोल ऑफ आ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्सिस एट लेंथ पॉइंट टू नैनोमीटर एंड टू नैनोमीटर इज ओके फ्रेंड्स तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट एनर्जीज का वन डी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी लेंथ okay है आपके पॉइंट टू नैनोमीटर एंड टू नैनोमीटर की ओके फ्रेंड्स न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है चलिए देखते हैं सी जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वन डी बॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर ओके फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जीज तो मीन सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की बात करें ग्राउंड स्टेट के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो होती है वन ओके okay फ्रेंड्स अब देखिए जो आपको दोनों बॉक्सेस गिवन है एक की लेंथ है पॉइंट टू नैनोमीटर एंड एक की लेंथ है टू नैनोमीटर उनसे रिलेटेड एनर्जी की वैल्यू लिख लीजिए आप तो जो पॉइंट टू नैनोमीटर वाली ई e है उसको सपोज हम मानते हैं ई वन सो ई वन की वैल्यू क्या आएगी एन की वैल्यू तो वन रहेगी तो एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल क्या है, तो है, तो M, है आपका पॉइंट टू नैनोमीटर तो आप इसको अभी पॉइंट हम नैनोमीटर में ही रहने देते हैं आगे जाके चेंज कर लेंगे तो पॉइंट टू का स्क्वायर ओके फ्रेंड्स इसी तरह टू नैनोमीटर वाले के लिए आप लिखिए ई टू ई टू में एन की वैल्यू तो बिकॉज ग्राउंड स्टेट है तो वन ही रहेगी सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी एच स्क्वायर अपॉन एट एम टू स्क्वायर साथ में आप नैनोमीटर का स्क्वायर भी कर लीजिए ये नैनोमीटर का स्क्वायर भी कर लीजिए नैनोमीटर में ये ओके okay. सो so, आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स डिफरेंस फाइंड करना है डिफरेंस इन द ग्राउंड सो ई टू माइनस ई वन फाइंड करना है मीन्स या ई वन माइनस ई टू सॉरी सो ई वन माइनस ई टू कितना होगा आपका अगर आप करते हैं तो एच स्क्वायर अपॉन ए टाइम तो क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा आपके पास बचेगा क्या वन अपॉन जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर इंटू वन अपॉन नैनो मीटर का स्क्वायर ये कॉमन ले लिया नैनो मीटर भी हमने ओके सो देखिए ई वन माइनस ई टू कितना आया एच स्क्वायर अपॉन एट एम जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास वन अपॉन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर माइनस वन अपॉन फोर वन अपॉन नैनो मीटर का स्क्वायर ठीक है फ्रेंड्स सो ई वन माइनस ई टू इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एट एम इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर अपॉन फोर इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर इंटू वन अपॉन का स्क्वायर ये हो गया फ्रेंड्स तो देखिए सारी वैल्यूज़ आपको पता होती है वैल्यूज़ रख दीजिए एच की वैल्यू क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री फोर इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी फोर इसका आप स्क्वायर करेंगे अपॉन एट इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज देखिए क्वेश्चन में क्या बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है सो मास इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन किलोग्राम इंटू ये क्या जाएगा आपके थ्री आ, फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फ़ोर कितना जाएगा आपके थ्री पॉइंट नाइन सिक्स अपॉन ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स इंटू नैनोमीटर स्क्वायर तो ये आपको जाएगा वन इंटू टेन की पावर माइनस एटीन नैनोमीटर होता है टेन की पावर माइनस नाइन इसका स्क्वायर इज़ एटीन सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे गेट में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है तो आंसर आपका आएगा एट नाइन्टी एट किलो जूल पर मोल पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स ये सारी वैल्यूज़ आपको रखनी है थ्री पॉइंट नाइन सिक्स जीरो पॉइंट वन सिक्स सो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन टू वन डी बॉक्सेस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ टू वन डायमेंशनल बॉक्सेस सो so, ये थे आपके क्वेश्चन जो गेट टू थाउजेंड फिफ्टीन में पूछे गए थे सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग